देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। पीएम मोदी हो या सीएम योगी, दोनों फ्रंट फुट से इस बीमारी को हराने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। ये लड़ाई अब राजनीतिक दलों की प्रतिद्वंदिता से ऊपर उठती दिख रही है। ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश का है, जहां बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने पार्टी के विधायकों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद की अपील की। तो आगे बढ़कर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मायावती को धन्यवाद दे डाला। आपको बता दें कि मायावती ने अपनी पार्टी के सभी विधायकों से कोरोना से बचाव व जरूरतमंदों की मदद के लिए विधायक निधि से 1-1 करोड़ रुपए दान देने की अपील की है। मायावती ने ट्विटर पर लिखा है कि देश भर में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के मद्देनजर खासकर यूपी के बीएसपी विधायकों से भी अपील है कि वे पार्टी के सभी सांसदों की तरह अपनी विधायक निधि से कम 1-1 करोड़ रुपए अति जरूरतमंदों की मदद के लिए जरूर दें। बीएसपी के अन्य लोग भी अपने पड़ोसियों का जरूर मानवीय ध्यान रखें। मायावती की अपील के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने कहा कि सभी राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठना चाहिए और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े होना चाहिए। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने सभी को साथ आकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ने की अपील की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब भी सुधरने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी द्वारा 5 अप्रैल को दिया जलाने की अपील पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा उठपटांग बयान दिया जा रहा है। वे कह रहे हैं कि हम दिया नहीं जलाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सीएम योगी पर हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।